जी खैरियत। अब मैं जी हूँ, और अब अगर आपके कोई सवाल है तो उसके जवाब मैं दे सकता हूँ। जी जी और अगर आप चाहें कि आप दिल्ली में बैठ कर जी जी हनी खाना पी के अपना काम पूरा कर लें, तो मैं कुछ किताबें, कुछ मैगजीन, कुछ रिसाले सजेस्ट करता हूँ, जिसमें आपको उनकी सवाने भी मिल जाएगी। जी जी सवाने में हाँ, दिक्कत हो सवाने रही है। जी में दिक्कत हो रही है। जी क्या आप ये चाहते हैं कि आप दिल्ली में बैठे बैठे आराम से रिसर्च कर लें? हाँ, नहीं मतलब आप सफर तो करूंगा मैं, ऐसी कोई बात नहीं है, मतलब जितना हो जाएगा। नहीं, जी ऐसी सहूलत पैदा की जा सकती है कि आप दिल्ली में बैठकर भी कुछ बुनियादी काम कर लें, और हाँ फिर आपकी हिम्मत हो तो सारे हिंदुस्तान का सफर भी कर लें। लेकिन हाँ 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 जी जी बिल्कुल जो बुनियादी काम, जैसा कि आपने कहा कि अभी तो एक डेढ़ सफर ही लिखा गया इतने दिनों में जी मुझसे, जी जी वही तो। जी तो वो एक डेढ़ सफा इसलिए लिखा गया कि आप उनके बारे में कुछ भी नहीं जानते, वो कहाँ पैदा हुए और उन्होंने क्या किया। तो जी इसके लिए आपको जो बुनियादी इंफॉर्मेशन चाहिए जी जी वो शायर से मिल जाएगी। शायर का नाम सुना है आपने? बम्बई शायर से एक जो रिसाला, रिसाला निकलता है। बम्बई से एक रिसाला शायर निकलता है, जी जी उसका नाम तो आपने यकीनन सुना होगा। जी जी सुना है शायर। जी और दिल्ली की तमाम लाइब्रेरियों में उसके पुराने फाइल भी मिल जाएंगे, समझा? जी जी दिल्ली की जितनी भी लाइब्रेरियां हैं, जामिया में, गालिब एकेडमी में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में, जेएनयू में, जी उसके फाइल मौजूद हैं पुराने। जी अब अगर आपके पास पेन और कागज मौजूद है तो आप उसका शुमारा लिख लीजिए, शुमारे में आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। हाँ लेकिन मतलब कहाँ कब से कब तक देखें शुमारा हम उसका। मैं बता तो रहा हूँ आपको कि कब तक देखें, एक ही शुमारा देखना है आपको, कौन सा एक ही शुमारे में आपको सब मिल जाएगा। कौन सा। आपके पास कलम मौजूद है क्या, कागज है? हाँ, जी जी शायद जी शायर 1900, हाँ 1976, 1976। जिल्द 47, 47, तुम्हारा जी एक रुकिए जरा, कैसे जी, 1976 जिल्द 1976, जिल्द नंबर 47, 47, जिल्द नंबर 47। जिल्द जिल्द 47 तुम्हारा नंबर एक, शुमारा नंबर एक। ये गोशाए अमीर हनफी है। इस अच्छा गोशाए रिसाले अमीर। में, हाँ, गोशाए अमीर हनफी का मतलब समझ गए आप? हाँ अमीर खान भी क्या गोशा हाँ, मतलब। उनके अमीर हनफी की जिंदगी का ही निकला हुआ है, तो जी सब तो जिंदा थे वो, जी तो उनकी जिंदगी के बारे में उनका इंटरव्यू भी है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जी और खुद उनकी जबान से आपको पता चल जाएगा कि वो किस खानदान से हैं और उन्होंने क्या क्या किया दुनिया में। तो जी ये हमारा आपके लिए सामान्य वगैरह के लिए बेहद इम्पोर्टेंट है, इसे आपको हर कीमत पर, और ये हर जगह मिल जाएगा आपको, दिल्ली यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी मिल जाएगा, जेएनयू में मिल जाएगा, जामिया में मिल जाएगा, गालिब एकेडमी में मिल जाएगा, हर जगह मिल जाएगा इसे। समझ रहे हैं आप मेरी बात? जी मैं समझ रहा हूँ। जी अच्छा, तो ये इसमें मिल जाएगा आपको। जी इसके अलावा मैं अब रिसालों के नाम बता रहा हूँ जिनसे आपको और अरबी मालूमात भी हासिल हो जाएंगी। जी जैसे हमारी जबान, हमारी अंजुमन तरक्की उर्दू का हफ्तवार, हमारी जबान हमारी जबान अंजुमन तरक्की उर्दू का हफ्तवार रिसाला है, अंजुमन हफ्ते तरक्की। रोजा, जी जी हफ्ते रोजा वीकली, जी अंजुमन तरक्की उर्दू हाँ, लिख। जी का हमारी जबान हफ्त रोजा रिसाला है। जी इसका जी यकम अक्टूबर 88, वन 1 अक्टूबर 88, 1988, एक 88, अक्टूबर सुनते हैं? या एक अक्टूबर, एक एक अक्टूबर अक्टूबर 1988। जी 88, उनके मरने के 1 महीने बाद उन्होंने स्पेशल नंबर निकाला था जी हमारी जबान में। तो जी ये जी निकाल लीजिए, इसका शुमारा नंबर 33। अगर इसका शुमारा नंबर भी चाहिए आपको तो शुमारा नंबर लिख लीजिए, शुमारा नंबर 37।
37 और जेल नंबर 47। जिल्द 47। हाँ, इसी तरह से एक रिसाला बम्बई से निकलता था, ब्लेड, ये भी वीकली रिसाला था, क्या नाम है ख्वाजा सर? अहमद। ब्रिज, ब्लेड, ब्रिज, ब्लेड, अब ये तो अंग्रेजी नाम है तो आपके पल्ले शायद नहीं पड़ेगा। ब्लेड, ब्लेड, ठीक है, डी ब्लेड, जी, BLIT। ब्लिट्स जी, हाँ, ब्लेड, बम्बई। बम्बई से हाँ, इसका 15 अक्टूबर 1988, 15 अक्टूबर 15। हाँ 1988 जी हाँ कुछ अंग्रेजी की वाकफियत है आपको कि जी जी नहीं जी जी है? अच्छा जी जी, थोड़ी जी आजकल एक रिसाला अभी तक निकलता है दिल्ली से, आजकल माहनामा। जी आजकल, आप तो दिल्ली में हैं, हाँ आपको रिसालों से कुछ शगफ है? कुछ हाँ जी उर्दू पढ़ते पढ़ाते भी हैं आप? जी जी, जी आजकल एक रिसाला निकलता है, गवर्नमेंट का रिसाला है। हाँ, आजकल आजकल जी 60 साल से निकल रहा है दिल्ली से, 60-70 साल से। आजकल मशहूर रिसाला है दिल्ली का, गवर्नमेंट का निकलता है, बहुत साफ सुथरा रिसाला है। आजकल ये उर्दू में भी निकलता है और हिंदी में भी निकलता है। जी हमें उर्दू आजकल की जरूरत है। अगस्त 1991, अगस्त 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 19 1991, जी जेल नंबर 50, जिल्द नंबर 50, तुम्हारा जी नंबर 1। शुमारा नंबर 1 हाँ, इसमें बहुत सारा मद, खास तौर पे तनकीदी मजामी जो है, उनके फन, उनकी शायरी, उनकी नसर, उनकी तनकीद, इसके बारे में आपको बहुत ही बुनियादी जानकारी इस रिसाले के मजामीन से मिल जाएगी। तो ठीक ये जो मैंने आपको बता दिया ना, जी शायर बता दिया, हमारी जबान बता दिया, ब्रेज बता दिया, आजकल बता दिया, अगर ये शुमारे आपने दस्तियाब कर लिए तो इनसे न सिर्फ उनकी सवाने आपको मिल जाएगी, बल्कि उनके फिक्र व फन पर बहुत ही कारामद मवाद, मेटर आपको मिल जाएगा। इतना मेटर मिल जाएगा कि आप 200-250 सफात लिख सकते हैं, समझे? जी इनके अलावा अगर आप रिसाले पढ़ने का शौक रखते हैं या शौक पैदा कर सकते हैं, तो शब खून, इलाहाबाद से एक रिसाला निकलता था, जी शब खून, फारूक साहब की निगरानी में जी जी शब शमसुर रहमान फारूकी का, जी जी शब खून शब खून, शमसुर रहमान फारूकी जो अभी पिछले साल ही मरे हैं, फिर शब खून शब खून, जी ये इलाहाबाद से निकलता था, उर्दू का नहायत मयारी अदबी रिसाला था। जी इसके अलावा किताब, एक रिसाला निकलता था लखनऊ से, किताब किताब लखनऊ लखनऊ से निकलता था। शायर जी का नाम तो मैंने आपको बता ही दिया जो बम्बई से निकलता था। जी जी इसके अलावा शमसुर रहमान फारूकी जो उनके दोस्त भी थे, अमीर जी जी खाना जी के दोस्त भी थे, और जी उर्दू के बहुत बड़े नक्काज और बहुत बड़े अदीब और बहुत आलिम व फाजिल आदमी हैं, इनका इंतकाल अभी हुआ है पिछले साल। जी इनकी एक किताब है, शेर, गैर शेर और नसर, शेर शेर, गैर शेर गैर शेर और नसर, और नसर ये इनकी किताब है। उसमें एक मजमून है, पांच हमासर शायर, इस किताब में एक मजमून है, पांच पांच हमसर हमासर शायर। जी इन पांच हमासर शायरों में एक शायर अमीर खाना जी भी है, समझा? जी जी तो ये नहायत कारामद मजमून है, और इससे आपको बहुत सारी मतलब तनकीदी और अदबी हैसियत के बारे में और शेरी हैसियत के बारे में अमीर खाना जी की आपको काफ़ी मवाद मिल जाएगा। जी इसके अलावा उनके एक दोस्त थे शमीम हनफी, जी अभी इंतकाल हुआ उनका दिल्ली में, अभी जी कुछ महीने पहले इंतकाल हुआ, शमीम जी जी हनफी। अब शमीम हनफी की बेशुमार किताबें हैं और उनके अक्सर मजामीन में उनका जिक्र होता है, अमीर हनफी का। अच्छा तो ये मैंने वो मवाद दिया जो आपको आप दिल्ली में हैं जी और दिल्ली में बहुत सारी लाइब्रेरियां हैं और बहुत सारे आलिम फाजिल लोग हैं जो
उनके हमासर थे अमीर खाना की थे, उनमें से बहुत से मरमरा चुके हैं, लेकिन जो नौजवान स्कॉलर थे या 60-70 की उम्र के जो लोग हैं वो उनमें से बहुत से लोग अभी भी आपकी मदद कर सकते हैं। चाहे ऐसे लोग आपको गालिब अकेडमी में मिल जाएंगे, जी जी तो कुछ लोगों ऐसे के लोग आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में मिल जाएंगे, ऐसे लोग आपको JNU में मिल जाएंगे। जी जरा उनका नाम बता दीजिए जो उनके दोस्तों में है या उनके भाई करीबी। बड़ी मेरी मुसीबत ये है जी कि उनके जो बहुत ही नज़दीकी और गहरे दोस्त थे जैसे शमसुर रहमान फारूकी और शमी मनफी, इनका इंतकाल अभी पिछले दिनों ही हो गया। जी 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 आप ये उनके मरने के बहुत बात कर रहे हैं और उनके दोस्तों के मरने की बात भी कर रहे हैं, तो अब उनके बारे में मालूमात जो है अब उसका एक मैं ही वाहिद मरकज रह गया हूँ जी जंगों में, जी और बाकी हो सकता है दिल्ली में आपको कुछ लोग मिल जाएं, वो आपकी मदद कर सकते हैं। जी लेकिन मैंने अभी जितना मवाद आपको लिखवा दिया है किताबी सूरत में और रिसालों के नाम वगैरह, जी इनसे पहले आप पहले तो ये सारे रिसाले तलाश कीजिए और इन्हें पढ़िए और ये देखिए कि क्या इनसे आपकी कुछ मदद हो सकती है। मैंने बताया कि इसमें इतना मवाद है शायर का, अगर आपको वो शुमारा मिल गया गोशे अमीख वाला 1976 वाला, जी तो उसमें सवाने से लेकर और आगे तक इतना मवाद है कि आप तकरीबन 100 पेज से उसी से भर सकते हैं जी अगर थोड़ी बहुत जहानत आप में है तो। जी इसके अलावा मैंने बताया कि हमारी जबान ने भी उन पर एक इशू निकाला था जिसका नंबर मैंने नोट करवा दिया आपको। जी आजकल ने एक बहुत ही उम्दा इशू निकाला था उसका नंबर मैंने नोट करवा दिया आपको। ये वो रिसाले हैं जिसमें इतना मवाद है कि आपकी पूरी PhD की डिग्री जो है कवर हो जाएगी, इससे डॉक्टर बन जाएंगे आप जी जी इन रिसालों की मदद से, बगैर मेरी मदद के। मैं तो यहाँ मऊ इंदौर में बैठा हुआ हूँ, आप दिल्ली में, जी इतनी दूर से मदद करने में कोई सेंस नहीं है, क्योंकि फोन पर कितनी देर तक मददमारी करे आदमी, जी और आप फोन पर कितना लिख सकेंगे, कितना समझ सकेंगे, कितने नोट ले सकेंगे। जी अच्छा तो ये होता है कि आप मऊ या इंदौर आ जाते दिल्ली से, जी जी 3-4 हज़ार रुपया खर्च हो जाता आप। जी बिल्कुल बिल्कुल आऊंगा मैं तो। जी लेकिन अगर आप नहीं आ सकते और आप दिल्ली में बैठकर ही रिसर्च करना चाहते हैं तो उसकी बहुत आसान तरकीब मैंने ये बता दी आपको कि पहली फुर्सत में आप ये रिसाले लाइब्रेरी जाइए दिल्ली में, आप तो दिल्ली में हैं आसानी से जा सकते हैं, सारी लाइब्रेरियाँ आपके करीब में होंगी, आप किस इलाके में रहते हैं दिल्ली के, मैं ओखला दिल्ली में के रहता किस हूँ, इलाके में आप? ओखला बिहार ओखला। आप ओखला में है ना, जी तो ओखला में तो बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे उर्दू वाले। जी ओखला में तो देखिए जहाँ तक मुझे याद आता है बहू के एक साहब ने बैंकिंग वैंकिंग का काम किया था, बहू के एक साहब थे जव्वाद जवाब जव्वाद अहमद जव्वाद अहमद, उन्होंने बैंकिंग वगैरह का कुछ काम किया था, उसमें वो उधर लिए गए थे और कुछ दिनों उन्होंने वहाँ की जेल में भी गुजारे दिल्ली की, लेकिन ओखला में ही उनकी इमारत जो अच्छा आप तो इंजीनियरिंग कॉलेज वगैरह कुछ चला रहे हैं, जव्वाद अहमद उनका नाम है, मऊ से उनका ताल्लुक है, मऊ के एक मौलवी के साथ जागे थे, जी तो उनके उनके पास अगर आप चले जाएंगे तो उनके पास नहीं है किताबें विताबें, जी वो अदब के आदमी नहीं है, जी लेकिन वो जानते हैं मेरा ख्याल है अमीर खाना जी को, और वो दिल्ली की लाइब्रेरियों से उसका कंसल्ट है, खासतौर से जामिया मिल्लिया से उनके बहुत नज़दीकी ताल्लुकात हैं। अच्छा, तो जामिया मिल्लिया में बहुत से ऐसे लोग अब भी होंगे जो अमीर खाना जी को बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे, क्योंकि जामिया मिल्लिया में किताब नुमा जो रिसाला निकलता था अब भी निकलता है, जी जी ले गया है अभी। तो वहाँ पर वो अक्सर अक्सर जाया करते थे अमीर खाना। मैं जब भी दिल्ली जाता था तो अमीर खाना जी के साथ जामिया मिल्लिया जाता था, वहाँ पर किताब नुमा के दफ्तर भी जाता था। जी जी तो अगर आप किताब नुमा चले जाएं तो वो किताब नुमा वाले भी आपकी मदद कर सकते हैं। किताब नुमा में उनकी बहुत मशहूर किताब चीज़ें दीगर जी
आप अमीर खाना जी से रिसर्च कर रहे हैं तो आपने उनकी किताबों को नोट कर लिया क्या? जी, शजरे हैं सदा सिलसिलतुल जरस सलसलतुल जरस उनकी शब्बास क्या है? सलसलतुल जरस क्या है उनकी बताइए सिलसिलतुल, तवील नज़में हैं उसमें। जी। नज्म नहीं है वो, सलसलतुल जरस एक तवील नज्म है रसूल जी अकरम की 1400वीं बरसी पर, जब रसूल अकरम का 1400वां जन्मदिन था जी उस वक्त उन्होंने 1400 मित्रों की तवील नज्म लिखी थी। समय कहना सुन, जी वो रसूल अकरम के सामने है और उसका नाम है सलसलतुल जरस। तो सलसलतुल जरस का मतलब मालूम है आपको? सलसलतुल जरस मतलब हाँ घंटी से हाँ ताल्लुक, जी जरस घंटी को कहते हैं ना। हाँ, जरस घंटी को कहते हैं, लेकिन सलसलतुल जरस का मतलब ये हुआ, रसूल अकरम पर जब वही नाजिल होती थी तो जी उन पर क्या कैफियत सारी होती थी, उनकी जौजा मोहतरमा यानी खदीजा, जब खदीजा ने एक बार पूछा उनसे कि जब ये वही नाजिल होती है तो क्या सूरत हाल होती है, उसके जवाब में रसूल अकरम ने कहा था सलसलतुल जरस, यानी वही के नजूल के वक्त घंटियों की आवाज आती है। तो जी अमीर खाना जी ने ये नज्म जो लिखी इसका उनवान सलसलतुल जरस इसलिए इसलिए रखा गया। तो जी समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो जी जी एक तो सलसलतुल जरस है और बहुत सारी हैं, शजर सदा है, सबगश्त है, बहुत जी सिंदबाद ही मशहूर नज्म उनकी जो तवील नज्म चंद बाद है, चंद बाद जो यहाँ मऊ में मेरी मौजूदगी में लिखी गई थी 1963 में, चंद 1963 बाद। तो जी ये सारी किताबें आपके पास होना चाहिए, उनकी नसर की तनकीदी किताब, शेर की दीगर अस, जी बहुत ही जबरदस्त किताब है, बहुत दकीक किताब है, कोई समझाने वाला समझाए तो समझ में आती है। तो जी अगर आपको उनके तनकीदी काम को कवर करना है तो आपको ये चीज़ें दीगर की जरूरत पड़ेगी, इसे तलाश कीजिए। ये तो सब मामले अदबी हो गए। अब आपको मालूम है कि अमीर खान की जिस चीज का नाम था वो किस किस फील्ड में जकंदे भरता था, आप जानते हैं कि वो सिर्फ शायर नहीं था, सिर्फ अदीब सिर्फ वाली में नहीं था, वो ज्योतिष का भी माहिर था, वो मौसीकी से भी ज्योतिष भी जानता था, वो संस्कृत का भी आलिम था। जी उनकी पहली नज्मों की किताब जो है वो तो हिंदी में छपी है, सांसों का संगीत, जी 1935 में। सांसों का संगीत कब कब बताया आपने? आप जी नोट ले रहे हैं क्या मेरी बातों के? सांसों जी लिख रहा हूँ मैं, सांसों का संगीत जो हिंदी में का संगीत उनका पहला मजमुआ जो हिंदी हिंदी का कलाम है कब तो कब 1955 में छपा। 1955 हाँ, संगीत। और वो संगीत के भी बहुत बड़े माहिर थे, पता है आपको? क्लासिकल जी म्यूजिक, क्लासिकल जी जी म्यूजिक और रागदारी म्यूजिक जो उस्ताद लोग गाते हैं जी और जो लोगों के पल्ले नहीं पड़ती। ये जो सांसों का संगीत है तो ये किताब मैं तलाश किया, मिली नहीं थी, तो कुछ इसका बता देंगे कहाँ? जी ये किताब छपी तो थी बनारस में, सांसों का संगीत बनारस 1955 में छपी थी, जी लेकिन अब दुनिया में शायद कहीं भी नहीं है मेरे सिवा, सिर्फ मेरे पास उसकी एक जिल्द पड़ी हुई है और कहीं भी नहीं है किताब। तो मैं आपकी तरफ आऊंगा, आपके यहाँ, तो मैं फोटो कॉपी वहीं करीब में करा लूंगा सारी। हाँ बिल्कुल, आप आइए और फोटो करा लीजिए, जी, मैं मैं जल्दी यही तो कह करता रहा हूँ। हूँ जी आपसे, जी जी मैं ये कह रहा हूँ कि आप बस दिल्ली में बैठ के रिसर्च नहीं कर सकते, तो जी उसके जी लिए तो आपको घूमना फिरना पड़ेगा। हाँ जी जी अभी मैंने मौसीकी की बात की, म्यूजिक की, क्लासिकल म्यूजिक की, क्लासिकल जी म्यूजिक में उन्होंने जबरदस्त किताब लिखी, देवास के बहुत मशहूर गायक उस्ताद रजब अली खान, जी उस्ताद रजब अली आपने खान, तो नाम भी नहीं सुना होगा उनका, वो क्लासिकल म्यूजिक के बहुत जबरदस्त गायक थे, ये किताब तो का नाम तो सुना उस्ताद मैंने जी, रजब अली खान। उस्ताद रजब अली उस खान। जमाने के जो और बड़े बड़े उस्ताद थे वो भी उनके उस्तादी के कायल थे, उस्ताद रजब अली खान। जी खुशकिस्मती से देवास में जब अमीर खान जी का खानदान रहता था तो ये उस्ताद के पड़ोसों ही रहते थे,
अच्छा छोटे अच्छा छोटे बच्चे 8 साल के, खाने खाना पी जब 8 साल के बच्चे थे तब जी, तो साथ के पड़ोस में रहते थे, इनके वालिद एक्साइज इंस्पेक्टर थे वहाँ पर, इनके वालिद तो उस्ताद इन्हें बहुत चाहते थे जी, रजब अली खान जी इस छोटे से बच्चे को 8 साल के बहुत चाहते थे। और म्यूजिक क्या होता है, क्लासिकल म्यूजिक क्या है, उसे समझाने की कोशिश करते थे जी। हमें कहना क्योंकि वालदा जो है पसंद नहीं करती थी कि ये क्या गाना बजाना, इसमें दिलचस्पी नहीं लेना चाहिए, लेकिन हमें सनसी लेते थे। और उन्होंने इस मुश्किल आर्ट में, इस मुश्किल कला में इतना इतनी सहम हासिल करनी थी कि उन्होंने आखिरी उम्र में अपनी मरने से कुछ साल पहले रजब अली खां पर एक पूरी किताब लिख दी 300 पेज की। 300 पेज की किताबें वो हिंदी में छप चुकी है, उनकी जिंदगी में छप गई थी। इसका नाम है रजब अली खां, उस्ताद रजब अली खां। मुझे याद नहीं आ रहा है लेकिन शायद लखनऊ से छपी है वो। उर्दू में भी छपने वाली थी लेकिन उर्दू के नाशरों ने पता नहीं क्या किया उसका। जी जी उस्ताद रजब अली खां जी, सुनना है ना आपकी बात। हाँ हाँ नहीं ये देखा तो था, रेख्ता पे किताब देखी है। तो ये देखिए, ये आपके आप जो रिसर्च कर रहे हैं उसमें ये पहलू आना चाहिए जी, जब वो सिर्फ उर्दू के शायर और अदीब और नकाद और आलिम और फाजिल नहीं थे, बल्कि हिंदी और संस्कृत पर भी उन्हें महारत तामा हासिल थी। और न सिर्फ ये बल्कि वो क्लासिकल म्यूजिक पर और फलकियात पर, इल्म नुजूम पर, इन चीज़ों पर भी दफ्तर रखते थे। तो ये उनकी शख्सियत के इतने सारे गोशे हैं भाई, बहुत आलिम आदमी होना चाहिए उन पर रिसर्च करने वाला जी जी, उनसे रिसर्च करने वाला बहुत आलिम आदमी होना चाहिए। क्योंकि हम जिस शख्स को सुनते हैं रिसर्च के लिए, अगर उसे समझना है सही मानों में, तो हमें उतनी लियाकत होनी चाहिए जी, उतनी काबिलियत होनी चाहिए। बहरहाल मैंने इतनी मदद सच्ची तो कर ली, अब मैं बोलते बोलते थक भी गया, अलग भी सीख गया मेरा जी। तो मेरा आज का लेक्चर तो हो जाएगा खत्म। अब आपका पहला काम ये है जी जी, जो रिसाले और जो किताबें मैंने आपको लिखवा दी हैं, आप उसे तलाश कीजिए दिल्ली में जी। वो मिल जाए तो उनसे अपना रिसर्च वर्क शुरू कर दीजिए, जब वो मिल जाए तो मुझे खबर कीजिए कि हाँ ये चीजें मिल गई। हाँ हाँ मैं बताता हूँ, समझे ना। अच्छा फैमिली में और जी, नंबर अगर किसी का मिल जाए, कोई बेटे बेटे का, किसका नंबर? अरे भाई रिसाले तो आपको लाइब्रेरी में मिल जाएंगे ना, किसी का नंबर लेने की जरूरत ही नहीं। ठीक है ठीक है, अभी मैं आपसे ये कह रहा हूँ आपकी सहूलत और आपके आराम के लिए, क्या आप किसी आदमी के पीछे मत भागिए। हाँ। आप किताबों के पीछे भागिए जी 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 जी, क्योंकि किताबें आपकी जितनी मदद करेंगी आदमी उतनी मदद नहीं कर सकेगा जी। हम जल्दी प्लान बनाएंगे, आदमी तो थोड़ी देर में पीछे छोड़ा देगा आपको जी। वही कह रहा हूँ मैं जल्दी, किताबें आप आराम से अपने घर से लेकर आइए, उसे नोट लीजिए। मैंने बहुत कारामत किताबों के नाम आपको लिखवा दिए हैं और ये किताबें अवेलेबल हैं दिल्ली की चार जगहों का नाम मुझे मालूम है। जामिया में मिल जाएगी, जामिया मिलिया में, गालिब अकेडमी में मिल जाएंगी, दिल्ली यूनिवर्सिटी में मिल जाएंगी और JNU में मिल जाएंगी। इतने पते ठिकाने मैंने आपको बता दिए, थोड़ी बहुत हिम्मत कीजिए, बाहर निकलिए और किताबें तलाश कीजिए। आदमी मत ढूंढिए, ये किताबें ढूंढिए। अगर आपको 78 का यानी 71 का शायर बम्बई का अमीर खनकी नंबर मिल गया, तो अकेला नंबर ही आपके 100 पेज की रिसर्च तो उसी से हो जाएगी, अगर आप जरा भी कहीं ना आदमी। ये जो आपने शायर बताया, आदमी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो शायर आपने बताया है रिसाला, वो उसका 1976 का देखना है ना शुमारा? हाँ भाई 1967 उस जमाने में शायर क्या करता था, 76 में हर महीने किसी बड़ी शख्सियत पर एक गोटा निकालता था, हर महीने ही निकालता था। तो एक महीने में उसने अनिकाना फिर से निकाला, उसके जो का जो पेज है ना टाइटल पेज, उस पर बहुत ही खूबसूरत तस्वीर है अमीर खनफी की, आपने तो देखा भी नहीं होगा अमीर खनफी को।
कहीं देखा है आपने? नहीं, तस्वीरें देखी कोई तस्वीर देखी आपने अमीर खजर जी की? जी 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 तस्वीरें देखी हैं, एक इंतखाब शमीम हनफी का है उसमें तस्वीर देखी, और फारूकी साहब के साथ देखा है, नेट पे पड़ी हुई थी। महंगा बज रहा है हमारी लोकेलिटी में तो आवाज आपकी बहुत कम आ रही है जी, क्योंकि कोई भोंगा बज रहा है बहुत जोर से। लेकिन देखिए मैं ये बता रहा था कि अगर वो टायर आपको मिल जाए 76 का, तो उसका टाइटल पेज जो है पूरा टाइटल पेज उसमें बहुत ही खूबसूरत है, बहुत अच्छी कंट्री है, वो तस्वीर भी हासिल कर लीजिए जी। बस आप रुके, बहुत थक गए हम जी, सांस फूलने लगा है। ठीक।